प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे तो पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत जो इश्क अंग उपजत जो मूल स्वरूप है अपने प्रणाम सुंदर साची धाम धनी अक्षरातीत हमारी प्यारी सखी इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो के उनके दिल को धाम बनाया और अपने हुक्म से अपने ही मुखारविंद से परंतु श्री इंद्रावती जी को शोभा देते हुए श्री कुलजम स्वरूप की वाणी कहलाई जो तारतम का तारतम हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते इस माया की अग्नि में तपते हुए आत्माओं के दिल को शीतल करने के वास्ते अपने दिल का अमीरस पीने के वास्ते ये इलम ले आए। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछी फेरिए ज्यो इश्क अंग उपजत। परम आदरणीय सुंदर साची आज हम लोग ध्यान करेंगे उस बात का। ये चौपाई हम सुंदर साथ अक्सर दोहराते हैं हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत ना सीखे सिखाए ना सोहबते हक मेहरे पावत। वस्तुतः हक की मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन ये बातन की बारीकियां क्या है। बातन के तो वैसे ही अर्थ होता है गुह्य भेद गुह रहस्य। आज दिन तक न परम धाम के बारे में किसी को पता न पर ब्रह्म के बारे में पता न उनकी हक जात के बारे में पता न इश्क के बारे में पता न वहदत के बारे में पता न हकीकत मार्फत के बारे में पता न नूर के भेद पता। कहूं अबलों जाहिर ना हुई अर्स बका हक सूरत हृदय आओ तो कहूं इत बैठो बीच तखत। तो बातन तो स्वयं अपने आप में परम धाम राज्य और रूहों के बीच प्रेम संवाद प्रेम लीला होती है। ये दुनिया से तो छिपी रही और ये खुलता भी उजागर भी तभी होता जब राजी स्वयं अपने ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस ब्रह्मांड में जो जागनी का ब्रह्मांड कहलाता है
अपने परातम को जगाने के वास्ते, जिन परातम ने परम धाम में रब्द किया था इश्क का। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं है। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोय, सो इश्क बिना इन अर्स में पैठ ना सके कोई। इस ब्रह्मांड में मूल कारण है आने का कि हम रूहों को इश्क की पूरी जानकारी मिल जाए जो हमें परम धाम में पता नहीं थी। परम धाम में हम राज्य का नूरी तन देखते थे, अपना तन देखते थे, 25 पक्षों के हर आकार जो राज्य के ही नूरी तन है उनको देखते थे, लेकिन राज्य के दिल को नहीं देखते थे। तो राज्य के दिल को नहीं देखा तो उसके अंदर अनंत गुण के जो सागर हैं उसको कैसे देखते। अपने दिल का खुलासा करने के वास्ते अपनी प्यारी रूहों को के दिल में एक चाहना सी डाल दी कि वो अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित इस खेल में आए, उसको देखें। वो चाहना ही वस्तुतः फरामोशी है। जब रूहें अपनी चाहना के अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको सिर्फ वो चाहना दिखती है और फिर खेल। राजी ने अपने दिल में ये खेल लिया, रूहों को दिखाया। और मूल कारण इस ब्रह्मांड में अब आने का एक ही है कि अब हमें राजी के दिल के गुह रहस्य पता लग जाए। जब कहते हैं हक बातन की बारीकियां, तो बातन तो अर्श की हकीकत है, यानी कि परम धाम है, जुगल स्वरूप है, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं और परम धाम के 25 पक्ष हैं जिनके अंदर हम हर घड़ी हर पल लीला करते रहते। ये अर्श की हकीकत है, लेकिन ये होती कहां से है? राज्य का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों में क्रीड़ा कर रहा है। उनका दिल ही जुगल स्वरूप के रूप में लीला कर रहा है, ब्रह्म सृष्टियों के रूप में लीला कर रहा है। ये बात हमें नहीं पता थी। ये है बारीकी, यानी बातन है हकीकत और बारीकी है मारिफत। जो दिखता है वो हकीकत, जो नहीं दिखता है वो मारिफत। तो राजी इस ब्रह्मांड में हकीकत तो लाए जो हम तो परम धाम में देखते थे, लेकिन उन सभी तनों के अंदर कौन लीला कर रहा है ये नहीं पता था। और राजी के दिल के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। उस मारिफत का ज्ञान देने के वास्ते हम रूहों को यहां ले आए और तीजी भौम से रब्द करके प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में पहुंचे। और अब इल्म से उन्होंने हमें ये जता दिया कि ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, अब इस ब्रह्मांड में माया से मुख मोड़ो और अपने मूल स्वरूप में आ जाओ।
अपने मूल तनों के श्रृंगार सज लो ओ मेरी प्यारी आत्माओं। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत पलक न पीछी फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। अब मूल मिलावा में श्री कंचन रंग के सिंहासन पर जो अति लाल है मेरे प्यारे प्रीतम जुगल स्वरूप विराजमान है, उनका गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए तन, उन्हीं के अंग नूर अंग, श्यामा जी जो उनके आनंद अंग है, और हम सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के अंग। अब जरा थोड़ी चितवन करिएगा श्री मूल मिलावे के अंदर हम सभी के मूल तन राज्य के चरणों में विराजमान है, और उनके अंदर खेल देखने की ये जो चाहना भर दी, और हम सब सखियां अपने दिल में उतर गई जहां पर वो चाहना की लहरें बह रही, और अब हम हमारे नैन खुले हैं, तन के नैन खुले हैं, और राजी को श्यामा जी को निहार भी रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। हमारे मूल तनों की स्थिति ऐसी विकट है कि ना नैनों से धनी दिख रहे हैं, नैन खुले होने के बावजूद हमारे मूल तनों के नैन, तन के नैन राज्य की तरफ स्थित है, उनके नैनों से नैना मिले हुए हैं। राजी तो हमें अच्छी तरह देख रहे हैं क्योंकि वो जागृत अवस्था में है, और हम अपनी चाहना के वशीभूत होकर फरामोश हो गए और उस खेल को देखने लगे जो राजी ने अपने दिल में लिया। और हमारा दिल तो शाश्वत रूप से राजी के दिल में ही रहता है, तो हमारे दिल के नैन की नजर अब उस खेल को देख रही है। तो कह रहे हैं राजी, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। अब आत्माओं हमें ये निर्देश मिला है कि जो मूल स्वरूप है अपने यानी परात्म, जाको कहिए परात्म, सो पर आत्म ले के। अब आत्मा जब इल्म से अपने प्रतिबिंबित तन को भी देख लेती है और अपने बिंब यानी मूल तन को भी देख लेती है, और मूल तन के इश्कमयी सिंगार से सज जाती है, तो ही विलसिए संग खसम, तभी राज्य के इश्क की लहरों में हमारा डूबना हो सकता है। बिना पर आत्म को लिए हुए, बिना पर आत्म के सिंगार सजे हुए मुश्किल है। राज्य श्यामा जी को कहते हैं श्याम जी के मंदिर में, कठिन हाल है रूहों का पर तुम बिरचो जिन, बिरचो मतलब उदास मत हो,
वे भूल गईयां उन्हें सुध नहीं, हासी एही मोमिन। भूल गए सुध नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें वो तारतम ज्ञान दे रहा हूं जिससे ये सारी सखियां इसी ब्रह्मांड में जाग उठेंगी और उन्हें अपने घर की याद आ जाएगी। श्री महामत कहे, ए मोमिनो, करू मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। अंतस्करण का तात्पर्य है दिल से। तो मूल स्वरूप का वर्णन क्यों किया जाता है, ये सुंदर साथ आज इसकी गहराई में डूबते हैं। मूल स्वरूप का वर्णन इसलिए किया जाता है, मूल स्वरूप यानी कि श्री राज जी का नख से शिख तक का हर अंग का वर्णन, वस्त्र और आभूषण का वर्णन, श्यामा जी का वर्णन, ब्रह्म सृष्टियों के अंगों का वर्णन और परमधाम के 25 पक्ष भी राज जी के ही नूरी तन है और उनके अंदर नूरमयी दिल है राज जी का ही। यही तो बारीकी है बातन की। तो रब्द तो हमने इश्क का किया, अब इश्क जब इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो, और हमारे पैठ भी अपने मूल वतन में नहीं हो सकती। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोय, सो इश्क बिना इन अर्स में पैठ न सके कोई। कोई का तात्पर्य सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों से है, दूसरा तो कोई जा ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि अब इंद्रावती जी को शोभा देते हुए मैं अपने हुक्म से हर अंग का वर्णन कराऊंगा, और उसका कारण है कि इश्क पाने का एक ही जरिया है, जब वो अंग प्रत्यंग की छवि आत्मा के दिल में बस जाए, और आत्मा के दिल और परातम के दिल में कोई अंतर नहीं होता। तो परातम के दिल में भी ये खेल देखते देखते उनके अंदर अर्श की पातशाही और वाहे दत्त के इश्क का पूरा खुलासा हो जाएगा और राजी के दिल दिखने लगेगा। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अब अगर इश्क की सागर में झीलना है तो राजी के अंगों को देखना होगा। ये राजी ने खुद फरमाया है कि अंग देखे जेते सूरत के। सूरत का तात्पर्य है राजी के का तन, राजी के अंग। तो ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, इल्म से अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही सामर्थ्य रखती हैं उन अंगों को देख पाने का और इश्क के सागर में डूबने का। और इश्क का सागर जो राजी के दिल में विराजमान होता है, वो इश्क मारिफत का इश्क है, और वही इश्क अंगों से अपने अनंत गुणों के साथ
प्रकट होता है। इसलिए मूल स्वरूप का वर्णन कराना अति आवश्यक है। हमें अपना इश्क इस ब्रह्मांड में मिल ही नहीं सकता अगर हमने अपने पिया के प्रीतम के अंगों को देखा नहीं। अब प्रारंभ करते हैं। धनी के अंगों का वर्णन और सुंदर साथ, ये बातें तो सिर्फ एक महज हम सभी के लिए एक इशारा है। उद्यम तो हमें ही करना पड़ेगा। वो वाणी के अनंत रस एक साथ तो नहीं पिया जा सकता, लेकिन इशारा जरूर हो जाएगा कि अब सुंदर साथ को करना क्या है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी, हम सभी अब तक जान चुके हैं कि जामनगर में, हफ्सा में श्री जी की श्वास छूटने के बाद धामधनी ने उनको अपना दीदार दिया, उनके जीव को खड़ा किया और उनकी आत्म में आकर विराजमान हो गए और वाणी कहलाते गए और इंद्रावती उसका रस पीती गई और ऐसा लगता गया कि मानो इंद्रावती कह रही हूं, लेकिन कहने वाले तो राजी हैं और अपने हुक्म से वो अपने ही तन और अंगों का वर्णन कराते हैं। अब सुंदर साथ एक बात तो जानता है, देखता है कि अगर एक उदाहरण के तौर पे छोटी बात कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लें सुंदर साथ, जैसे अगर मुझे ही अपने तन का या अपने अंगों का वर्णन करना हो तो मैं कैसे करूं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को सामने खड़ा करना होगा और उसको ये शक्ति देनी होगी कि वो मेरे तन का वर्णन कर सके और उसको मैं अपने दिल की बात भी बता दूं तो वो मेरे दिल के रहस्य भी खोल सके। उसी प्रकार से राजी ने श्री इंद्रावती जी को वो शोभा दी कि वो धनी के अंगों का वर्णन कर सके। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अर्श का तात्पर्य होता है सिंहासन से, जहां बैठकी होती है। परमधाम के जर्रे जर्रे में बैठकी राज्य की है, इसलिए वो परमधाम अर्श कहलाता है। तो इंद्रावती जी फरमाती हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। अब मेरा दिल ही तुम्हारा तखत है, तुम्हारा सिंहासन है, तुम्हारा अर्श है और अब आके इस पर बैठो और आराम फरमाओ। सेज बिछाई रुच रुच के, और मैंने सेवा से, समर्पण से, श्रद्धा से, विश्वास से, यकीन से, ईमान से
प्रेममयी फूलों की शैया सजाई है और हमारा दिल कोमल हुआ आपके प्रेम से। मेरी कहनी करनी और रहनी सभी वहदत के माफक हो गए। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आईया लेत कायम रोशनी घेर। तो ऐसी कोमल सेज आपकी ही मेहर से मैंने अपने दिल में बिछा रखी है और अब तुम यहीं रहो और यहीं तुम्हारा विश्राम है। अब ये तो हुई बातन, अब इसकी थोड़ी सी बारीकी। इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर कह कौन रहा है राज्य। तो अब इसी प्रकार से देखो कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब राज्जी इंद्रावती के दिल में बैठे हैं और राज्जी का दिल भी इंद्रावती के दिल में विराजमान है और वो दिल से ये पुकार निकल रही है अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है। ये बात तुम्हें परम धाम में नहीं पता थी, मैं जानता हूं, क्योंकि अगर पता होता तो इश्क रब्द कारण ही न बनता। इसी बात को बताने के वास्ते, अपने दिल के अनंत सागरों का रस पिलाने के वास्ते मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड में ले आया, नूरी तन से नहीं, तुम्हारे प्रतिबिंबित स्वरूप जिन पर मेरी नजर है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओ ए। सुंदर साज जी, प्यार से ध्यान दीजिएगा कि अगर यही चौपाई पहले तो इंद्रावती जी राजी का आवाहन कर रही हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। अब इंद्रावती के धाम दिल में राजी विराजमान होकर अपनी प्यारी अंगनाओं को, जिनको वो अपना प्रीतम कहते हैं, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सो ए दुख करूं सब दूर। अपनी अंगनाओं को अपने प्राण प्रीतम कहते और उनको याद दिलाते हैं कि धाम में तुम्हारा दिल तो मेरे ही दिल में था, रहता है, था तो नहीं, रहता है। ये बात तुम्हें नहीं पता थी, तो अब मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं अपने इल्म से, मेरा हुक्म पुकार रहा है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, आओ अभी, हाँ आओ। और आराम तुम्हें इस माया की तपती झाला में, जैसे ही तुम अपने अंगों को इंद्रावती को सौंपोगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम की वो लहरें बहने लगेंगी जो असीम शांति, सुकून और मिठास और शीतलता का अनुभव कराएंगी, आनंद का अनुभव कराएंगी।
और मैंने अपने दिल में परम धाम की हर नियामत यहां भी रखी हुई है। अब वो नियामतें क्या हैं? नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस। ये आठ सागर तो कहने को आठ सागर है, हर सागर असीम है, अथाह है, अनंत है, और एक एक सागर में कई सागर हैं, और वो सारा रस हम राजी के नैनों से नैन मिलाकर पीते तो थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये रंग, इस रस का स्रोत कहां है। तो अब मैंने परम धाम की हर नियामत, हर संपदा, हर निधि जो मेरे दिल में है, जब तुम मेरे दिल में आओगी तो तुम उन अनंत सागरों के रस में हर घड़ी हर पल झीलती रहोगी। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। और इंद्रावती को अंग सौंपने का मतलब, इंद्रावती के दिल में राज्जी विराजमान है, राज्जी का तन विराजमान है, और उस तन के अंदर राज्जी का दिल विराजमान है, और दिल के अंदर परम धाम के अनंत न्यामतें विराजमान है। और जैसे ही सुंदर सात ये दुंद भी सुनते हुए, ये आवाज सुनते हुए, इलम हक का सुनती इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वो मुतलक नहीं मोमिन। और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो ये आवाज अपने आत्मा के श्रवण अंग से अपने दिल में लेती हैं, और उनको एक क्षण भी नहीं लगता अपने आप को इंद्रावती के अंगों को सौंप देना। जो सौंपे अंग इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। प्रेम से रंग कौन खिलाएगा? प्रेम के रंग में राजी खिलाएंगे। आपने इंद्रावती को तन दिया, अपने अंग दिए, और राजी उस अंग में विराजमान है, और राजी के अंदर उनका दिल विराजमान है, और दिल के अंदर अनंत सागर विराजमान है, और हम उस सागर में जाकर डूब जाते। तो इस चौपाई में एक है कि रूहें आवाहन करती हैं राज्य का, ओ मेरे प्राण प्रीतम आ जाओ। मैंने अपनी ईमान श्रद्धा यकीन से, प्रेम की सुगंध से, शीतलता से अपनी छाती को कोमल कर रखा है, आओ यहां पधारो, आराम करो। लेकिन इसी का दूसरा पक्ष है कि राज्जी अपनी अंगनाओं को पुकार रहे हैं, और वो भी उनके प्राण प्रीतम है। रूहों के प्राण प्रीतम राज्जी, और राज्जी के प्राण प्रीतम रूहें। लेकिन एक बात है, आप सभी सुंदर साथ इस पर विचार करना, जब मैं आवाहन करती हूं धाम धनी को मेरे दिल में आने के लिए, तो मैं होती हूं, और राजी को मैं बुलाती हूं तो राजी होते हैं और मैं होती हूं। लेकिन जब राजी बुलाते हैं और मैं उनके दिल में प्रवेश कर जाती हूं, तो फिर मैं नहीं रहती, सिर्फ राजी रहते हैं, तो मेरी मैं समाप्त हो जाती है और सिर्फ हक की मैं रह जाती है। और यह है वो मार्फत की अवस्था, जब मैं न रहूं
सिर्फ तू तू रहे और ये मैं तू हो जाए, ऐसा ही तेरा आशीष हो। तो इसी चौपाई में दो पक्ष हैं, एक आत्म का अपने प्राण प्रीतम का आवाहन करना और इसी चौपाई में जो छिपा हुआ है वो ये है कि राजी आवाहन कर रहे हैं और दोनों आवाहन कर रहे हैं अपने अपने प्राण प्रीतम का। रूहों के प्राण प्रीतम राजी और राजी के प्राण प्रीतम रूहें। अब आप इस बात को गौर कीजिएगा कि आपको राजी के दिल में बैठना है कि राजी को अपने दिल में बिठाना है। फैसला आपका है, आप जो चाहें करें, लेकिन इस चौपाई को अपने हृदय में अपने आत्मा के श्रवण अंग से गूंजने दीजिएगा। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई पैठ के और पिया न जाए किने। तो इश्क पीना है तो कहां जाना होगा, राजी के दिल में। इसीलिए इस चौपाई के दोनों पक्षों को हम चितवन करें, धाम धनी को आवाहन करें और धाम धनी के आवाहन की गूंज सुन सके। और ये उसी गूंज की एक तरंग है जो धनी ने उतरते समय कहा था, हके कॉल किया उतरते अलस्तो बेरब को, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं। सोचो सोचो सुंदर साथ, क्या ये मात्र एक बात नहीं है, इतना रब्द हो गया। धनी ने तीन बेर मना किया, ब्रजरास घुमा लाए, बता दिया कि अब जाग इस ब्रह्मांड में जा रही हो, तो वहां पर तुम्हें अलग अलग मुल्क में उठाऊंगा, अलग अलग तन दूंगा, अलग अलग भेक दूंगा, और तुम किसी की महतारी हो जाओगी, किसी की बिटिया हो जाओगी, किसी की स्त्री हो जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम बस मुझे याद कर लेना। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग। परातम अपने मूल तन से कहीं नहीं गई, लेकिन दिल के नैन की नजर से वो उस खेल के अंदर प्रवेश कर गई जो राजी ने अपने दिल में लिया हुआ है। रील वहीं चल रही है और उस पे राजी ने अपनी नजर भी डाली हुई, और वो हमारा स्वप्न स्वरूप ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में वो असल हमारे तन, प्रतिबिंब के जो असल तिनो हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। जिस खेल को रूहों को दिखा रहे हैं वहां पर आत्म की नजर है तो राजी की भी नजर होगी ही होगी। राजी खुद अपने हुक्म से ये बातें फरमा रहे हैं। अर्स कहया दिल मोमिन, अर्स में सब बिसात, निमक न्यारी क्यों हो सके रूह निस्बत हक जात। अब आ गए रूहों के दिल में, अर्श कहया दिल मोमन, अर्श में सब बिसात। अब राजी जब रूहों के दिल में आते हैं
तो परम धाम की अपने दिल के साथ आते हैं और उनके दिल के अंदर परम धाम का वो अनंत न्यामतें, संपदाएं, निधियां, नूर, एकत्व, सिंगार, शोभा, निस्बत, कृपा, इश्क सबके साथ आते हैं, वतन की सब भी साथ। सुंदर साथ मैंने आपको कदाचित पहले भी बताया है कि हम अर्श की हकीकत में राजी के संग रंगमहल में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 9 घंटा और रात्रि के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 9 घंटा 18 घंटा रंगमहल के अंदर हम राज्जी के साथ क्रीड़ा करते थे, इश्कमयी, रंगों से भरी हुई, रस से भरी हुई। लेकिन 6 घंटा वनों में विहार करते थे, कभी पुखराज पहाड़ जाते थे, कभी माणिक पहाड़ जाते थे, कभी यमुना जी जाते थे तो कभी पश्चिम की चौगान पे जाते थे, कभी लाल चबूतरे पे बैठकर बड़ो वन के अंदर हम पशु पंखियों का, पशुओं का लीला को निहारते थे, खड़ोकली में विहार करते थे। इस सारी लीलाएं हमने किया, लेकिन क्या हमने कभी परम धाम में हवाओं से बात किया? क्या हमने कभी पुखराज पहाड़ से बात किया, कभी माणिक पहाड़ से बात किया, कभी यमुना जी की लहरों से बात किया, कभी पुखराज पहाड़ से उतरती हुई 4 धाराओं को अपने हृदय में लेकर उनसे बात किया? क्योंकि वो सभी आत्माएं हैं और इस बात की जानकारी हमें नहीं थी। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, पहाड़ तिनका कहने का तात्पर्य होता है बड़े से बड़ा आकार और छोटे से छोटा आकार। यानी सब कुछ, सब चीज विध आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। जो हमारी आत्मा के अंदर राजी ने जागृत बुद्धि दे दी, जागृत बुद्धि का चश्मा दे दिया, ऐनक दे दिया, अब उस जागृत बुद्धि के जरिए हम वो सब चीज देख लेते हैं जो हम परम धाम में नहीं देख पाते थे। अब वस्तुतः आप सोचो कि अब जब हम परम धाम में उठेंगे और यमुना जी पे विहार करने जाएंगे तो क्या अटखेलियां होंगी, क्या रंगरेलियां होंगी जब हम यमुना जी की लहरों से बातें करेंगे, उनके गले लगेंगे, उनके मुखारविंद से उनकी मीठी मीठी बातें सुनेंगे, और वो हर कुछ राज्जी की ही बातें होंगी। हर सखी एक दूसरे से किसकी बात करना चाहती है, अपने प्राण प्रीतम की। यमुना जी भी राज्जी की ही बात करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे एकत्व का स्वरूप है, वह दत्त का ही अंग है। अर्स कया दिल मोमिन, अर्स में सब बिसात, बिसात माने सारी न्यामतें, निमक न्यारी क्यों हो सके रूह निस्बत हक जात। जो अंगनाएं का निस्बत राजी के दिल से है, परम धाम की हक जात से, यानी परम धाम से है, वो उससे एक क्षण भी जुदा कैसे रह सकती है?
और जब वो जुदा न रहे तो जानो कि इश्क का सागर लहराता हुआ हमारे दिल में प्रवेश करता है। आज शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, फिर भी एक चौपाई सिंगार ग्रंथ के 21वें प्रकरण की 181 चौपाई का बात आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजो अपनों ताम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अब सुंदर साथ जरा ध्यान दीजिएगा इस चौपाई में। हमने जब आवाहन किया तो धाम धनी अपनी मेहर से हमारे दिल में आकर विराजमान हो गए, और अब मैं उनसे कह रही हूं कि इश्क सुराही अपने दिल से सुराही लो, जिसके अंदर लवा लब इश्क भरा हो, और पिलाओ हर घड़ी हर पल, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की, और जिनके मूल तन परम धाम में, उन्हीं अंगनाओं की बात हो रही, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजो दीजे अपनों ताम। आत्म को मिलेगा तो परात्म को भी रस मिलेगा। अब जरा सोचो सुंदर साथ, ये प्यार भरी बातें हैं, ये तर्क वितर्क कुतर्क की बातें नहीं है। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। जब हमने आवाहन किया अपने प्राण प्रीतम का, राजी मेरे दिल में आए, तो अपने दिल से इश्क की सुराही निकाल कर हमें पिलाया। लेकिन जब मैं उनके दिल में प्रवेश कर गई तो सुराही की आवश्यकता न रह गई, मैं तो सागर में ही डूब गई, और मैं सागर स्वरूप हो गई, उनके दिल का स्वरूप हो गई। तो पीना पिलाना क्या है, मैं तो उसका अंग हो गई, मैं उसका रूप हो गई, मैं उसका स्वरूप हो गई। अब यहां ये स्थिति देखिए, देखने की चीज है, चितवन की चीज है। रूहे इश्क मांगे धनी पे, पकड़ धनी के कदम, जो छोड़े इन कदम को, सो क्यों कहिए आसिक खसम। हम राजी के चरण को पकड़कर क्या मांग रहे हैं, इश्क। और राजी क्या कह रहे हैं कि तुम तो इश्क के अंग हो, तुम इश्क में आ जाओ। तो कैसा मांगना और कैसा देना, सब कुछ। तो राजी कह रहे हैं सारा वतन बिसात मेरे दिल में है, तुम आ जाओ। और इंद्रावती को अपना अंग जैसे ही सौंपोगी, तुम मेरे दिल में प्रवेश कर जाओगी। अब रूहें जब तक उनके दिल में बैठती नहीं है, तब तक स्थिति क्या होती है, ये इन दो चार चौपाइयों से हमें पता लगती है। प्यारे कदम राखों छाती मिने, और राखों नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो, बैठे हो दिल को अर्स कर। अब मैंने अपने छाती को कोमल बना रखा है, छाती के बाहर और छाती के भीतर। छाती जो बाहर दिखती है, लेकिन जैसे एक माता अपने शिशु को अपने छाती से चिपकाती है, तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मेरा शिशु, मेरा बालक, मेरा बच्चा मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर गया।
तो इसका तात्पर्य यही है कि प्यारे कदम राखो छाती मिने, तो छाती पे आओगे तो स्वतः ही तुम मेरे दिल में आ जाओगे। और राखो नैनों पर, यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। आशिक और माशूक दोनों एक दूसरे को अर्श की हकीकत में नैन से सैन चल रहा होता है, परातम के नैन राज्य के नैनों में और राज्य के नैन परातम के नैनों में, और कोई आवाज नहीं, वो मूक प्रेम की तरंगे हैं जो एक दूसरे से दिल को जोड़ रही हैं। तो नैन वही मूक प्रेम के का स्थान है। तिन नैनों बीच नैना रूह के, अब जो परातम के नैनों के अंदर राजी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ विराजमान होते हैं, क्षमा कीजिएगा हम दूसरे चौपाई पे चले गए। प्यारे कदम राखों छाती मिने और राखों नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो और अपने सिर के ऊपर लिए। और सिर के ऊपर लेने का मात्र तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि मैं अपनी मैं को छोड़ देती हूं और हक की मैं ले लेती हूं। राजी सिर अहम का प्रतीक होता है। जब ये सिर झुक जाता है तो अहम खत्म हो जाता है और उस सिर पर धाम के धनी मेरे प्राण प्रीतम हक आकर बैठ जाते हैं। तो इसके मतलब मेरे अंदर मेरी मैं समाप्त और हक की मैं आ जाती। एक किसी शायर ने कहा था, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो राजी दिल में आने के बाद भी अगर मेरी गर्दन झुकी नहीं तो वो दिखेंगे नहीं। तो जब तक ये मैं नहीं छूटेगी और हक की मैं नहीं आएगी, तब तक राजी अगर मेरे दिल में आत्मा के दिल में विराजमान हैं तो भी उनके दिल का रस हमें नहीं मिलेगा और ना वो दिखेंगे। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, और इश्क कब आएगा जब मैं समाप्त होगी। तखत धरिया हके दिल में, अब राज्य हमारे दिल में आ गए। राखूं दिल के बीच नैनन, अब अपने दिल के नैनों के अंदर मैं रखती हूं, लेकिन रखती कैसे हूं ये जरा सुंदर साथ तो मेरा प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, मैं जानता हूं कि उनसे हमें बहुत कुछ राजी का रस पीने को मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है। मैं मूर्ख का ज्ञानी क्या जानूं, ये सब आपकी ही कृपा है। आपके माध्यम से धनी मेहर की लहरें बरसाते हैं सब रूहों पर। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने बोला था कि मूल मिलावे में अपनी नजर रखो। मूल मिलावे में राजी विराजमान है, रूहें का तन उनके चरणों में विराजमान है, रूहों के तन के जो नैन हैं वो खुले हैं और उन नैनों में राजी का प्रतिबिंब है, और रूहों के यही नैन आत्मा के नैनों, तो आत्मा के नैनों में राजी पधार जाते हैं। तो कहते हैं, तखत धरिया हके दिल में, राखूं दिल के बीच नैनन, तिन नैनों बीच नैना रूह के,
राखों तिन नैनों बीच तारन। अब पर आत्म के नैन जब आत्म के प्रति परात्म का प्रतिबिंबित तन आत्मा और उसके नैन में राजी आते हैं तो क्या होता है। अब आत्मा इलम से जब ये जान जाती है तो उसको अपने हृदय के एकदम अंदर वाले कोठड़ी में बिठा देना चाहती है कि एक पल के लिए अगर मेरी नैन हिले भी डुले भी। कभी होता है ना जैसे मैं आपको देख रहा हूं लेकिन मेरी पलक झपक गई तो अब आप हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूं कि जब राजी को मैंने अपने दिल के नैनों में रखा और उस दिल के नैन के भी नैन में एकदम उसके तारों में अंदर बिठा लिया तो मेरी बाह के नैन चाहे बंद हो खुले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिया मेरे दिल में रहेंगे। तो सुंदर साथ अब समय की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, बातें तो बहुत क्या क्या कहूं, लेकिन एक चौपाई मैं आपको बस इशारे के रूप में सुना देता हूं। सिंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपाई 181 ध्यान दे लीजिएगा। जब सिंगार ग्रंथ में राजी अपने हुक्म से अपने एक एक अंग का वर्णन करा देते हैं, परिक्रमा में अपने परमधाम के स्वरूप का वर्णन करा देते हैं, सागर में वस्त्र और आभूषणों का वर्णन कराते हैं, सिंगार में भी कराते हैं, ये सारा वर्णन जब होता है तो उसका एक तरंग राजी के दिल से निकलता हुआ इश्क की किरणें और किरणों से अनंत किरणें और हर किरण से अनंत तरंग, और जैसे राजी के मुकुट का वर्णन होता है, पांच का मुकुट है, चार दोरी है, त्रिभुज आकार के कांगड़ी है, उस पे हर कांगड़ी पे 4, 3, 2, 1 नग जड़े हैं, उसके ऊपर बेल फूल लताएं उसमें भी नग जड़े हैं, उसके ऊपर टोपी है, टोपी के ऊपर कितना सुंदर कलंगी है, वो 10 जो नग हैं, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना पाच नीलवी पुखराज माणिक मणि, ये 10। और ये चौपाई जो कहती है जब आप मुकुट का ध्यान करेंगे तो इस चौपाई का जरूर ध्यान कर लीजिएगा। इसी से मैं आज वाणी को विराम दूंगा। और विद मुकुट में रूहे आवे सब मिल, सब रूप रंग देखे इनमें जो चाहे जैसा दिल। अब उस मुकुट के अंदर जितने नग हैं वो सब आत्माएं हैं और ब्रह्म सृष्टियां अब अपने एकत्व के स्वरूप में आ जाती हैं और उन हर नग के अंदर अपना रूप रंग देख लेती हैं, अपने आप को देख लेती हैं और आत्माओं से अरस परस हो जाती हैं और राज्य के दिल का इश्क पीने लगती हैं। जब एकत्व का भाव इल्म से हमारे अंदर जाहिर हो जाता है तो इसी चौपाई को सुंदर साथ आज दोहरा लीजिए, फिर जब अवसर आएगा तो आपसे जरूर बात करेंगे। और विद मुकुट में रूहें आवे सब मिल, सब रूप रंग देखे इनमें
जो चाहे जैसा दिल, जो चाहे जैसा दिल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।